मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर, आज मैं आपको ब्रिक और जो आगे चलकर ब्रिक्स हो गया के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। ब्रिक BRIC, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। तो ये ब्रिक के रूप में चार देश इसमें फॉर्मेशन इसमें शामिल हैं जिन्होंने इसकी मिलकर स्थापना की, संगठन की, और बाद में ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हुआ, BRIC, और उसके बाद में एस और जुड़ा, तो एस से साउथ अफ्रीका, आगे चलकर इसमें साउथ अफ्रीका और शामिल हो गया। पहले चार थे, अब पांच हो गए और ये ब्रिक्स हो गया। तो आज हम ब्रिक और ब्रिक्स से आगे बढ़कर जो ब्रिक्स हुआ, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जो एक ये किस प्रकार से इसका इसकी स्थापना, इसके शिखर सम्मेलन जो क्रम से है, अब तक 12 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, उनके बारे में बताऊंगा, उनकी क्या थीम रही, किस देश में ये संपन्न हुए। तो इस प्रकार से हम थोड़ा ये इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनने और समझने का की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि एक संगठन के रूप में ब्रिक की स्थापना 2009 में हुई। ब्रिक के सदस्य देश थे ब्राजील, रूस, भारत और चीन। ब्रिक नाम पहली बार जिम ओ'नेल द्वारा वर्ष 2001 में लिखे गए एक शोध पत्र में प्रयुक्त किया गया। ब्रिक के ये चार देश संपूर्ण विश्व के 25% भूभाग तथा 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बड़ी खास बात है। ये चार देश संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ी एवं सबसे तेज गति से विकसित होने वाली वाले बाजार एवं अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये पृष्ठभूमि के रूप में आपको बताया। अब मैं जो इसके शिखर सम्मेलन सम्मेलन हुए हैं उनको लेकर क्रमशः आपको बताने जा रहा हूं। ब्रिक देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को 16 जून 2009 को एकांतरिक बर्ग रूस में हुआ। एकांतरिक बर्ग रूस में हुआ। सदस्य देशों के बीच वार्ता का मुख्य केंद्र वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट का मुकाबला करना तथा चारों देशों के बीच भविष्य में बेहतर तालमेल स्थापित करना था। तो पहला जो शिखर सम्मेलन है वो 2009 को हुआ, रूस में हुआ, और सदस्य देशों के बीच में जो इसका थीम था वो जो विश्व का आर्थिक संकट था का मुकाबला किस प्रकार से करना है इन चारों देशों को, और चारों देशों के बीच भविष्य में आने वाले समय में बेहतर तालमेल कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, वो केवल आर्थिक संबंध नहीं अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें भी तालमेल स्थापित करना है। और दूसरा ब्रिक का दूसरा शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल 2010 को ब्राजील में हुआ।
सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग, व्यापार, निवेश, विज्ञान, तकनीकी तथा आधारभूत ढांचे के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकताओं पर बल दिया। तो ये दूसरा शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ। तीसरा, ब्रिक्स से ब्रिक्स, ये सम्मेलन 12, 13, 14 अप्रैल 2011 को ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका, इसमें पहले जो 4 सदस्य थे अब पांचवां भी जुड़ जाता है, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है का तीसरा शिखर सम्मेलन चीन के सान्या सिटी में संपन्न हुआ, जो उनका हेनान प्रांत था उसमें सान्या सिटी में संपन्न हुआ। दक्षिण अफ्रीका को औपचारिक रूप से इस समूह का सदस्य इस शिखर सम्मेलन में बनाया गया, जिससे 4 देशों का ब्रिक अब 5 देशों के ब्रिक्स में रूपांतरित हो गया। सम्मेलन में हुए समझौते के अनुसार इन देशों ने सहमति दी कि अब डॉलर पर निर्भरता को कम करते हुए अपनी ही मुद्रा में एक दूसरे को कर्ज अथवा अनुदान देंगे। इसमें खास बात यह थी कि एक तो नया सदस्य इसमें संगठन का बना दक्षिण अफ्रीका, दूसरा जो डॉलर पर निर्भरता थी, कम से कम इन 5 देशों ने ये हुआ कि अपन जो भी आप अनुदान कोई और है तो वो डॉलर में न होकर जो हमारी मुद्रा है इनकी उसमें वो किसी को कर्ज देना है, अनुदान देना है, कुछ भी करना है वो, तो ये डॉलर की निर्भरता को इसमें कम किया गया। और चौथा ब्रिक्स सम्मेलन, अब ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया ना, तो ब्रिक्स का चौथा शिखर सम्मेलन 19 मार्च 2012 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में रोजगार, जल, ईंधन, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण व आतंकवाद सहित 10 ऐसे मुद्दे गिनाए गए जो ब्रिक्स देशों के लिए चिंता के विषय थे। तो इन 10 मुद्दों पर इनको सबको मिलजुल कर कार्य योजना बनाना और आपस में सहयोग करना, ये मुख्य इसका थीम था। पांचवा ब्रिक्स का जो सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन, वो 26-27 मार्च 1913 को डर्बन, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। और छठा शिखर सम्मेलन फोर्ट लिजा और ब्राजीलिया, ब्राजील में 15-16 जुलाई 2014 को संपन्न हुआ, जिसका मुख्य विषय था समावेशी विकास, स्थायी समाधान। सम्मेलन की उपलब्धि थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार संगठन आदि पर सहयोग पर विचार किया गया। तो इस सम्मेलन ने जो छठा था, इसकी एक खास बात तो ये थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई और इसमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार संगठन आदि पर काफ़ी चर्चा की गई और ये फैसला किया गया कि इस क्षेत्र में हम मिलजुल कर, पांचों देश ब्रिक्स के हैं, वो कार्य करेंगे। ब्रिक्स का सातवां शिखर सम्मेलन रूस के उफा शहर में 8-9 जुलाई 2015 को संपन्न हुआ। सम्मेलन का विषय था ब्रिक्स भागीदारी, वैश्विक विकास के लिए मजबूत कारक। तो जो इसकी थीम थी कि ब्रिक्स भागीदारी वैश्विक विकास के लिए मजबूत कारक, कि ब्रिक्स के ये जो देश हैं इसमें जो ये आपस में भागीदारी निभा रहे हैं, इससे विश्व मजबूत होगा, विश्व को मजबूत, अनेक क्षेत्रों में मजबूत करने वाला ये संगठन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के प्रायोजकों, गुटों या देशों में बगैर किसी भेदभाव के इसके विरुद्ध एकजुटता के साथ लड़ने का आह्वान किया। सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन,
शिक्षा युवाओं के लिए रोजगार, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। तो ये सातवां शिखर सम्मेलन भी खास शिखर सम्मेलन था। इसमें शिक्षा, युवा, आतंकवाद, गरीबी उन्मूलन, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण आदि अनेक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशना, तो इस क्षेत्र में इन्होंने मिलजुल कर काम करने के लिए प्रयत्न और ये कमिटमेंट किया। आठवां शिखर सम्मेलन 15-16 अक्टूबर 2016 में बेनोलिम गोवा में संपन्न हुआ। और नौवां शिखर सम्मेलन 3-4-5 सितंबर 2017 को चीन के सियामेन शहर में संपन्न हुआ। इसका ध्येय वाक्य जो थीम था वो था बेहतर भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी। सम्मेलन में लश्कर-ए-तैयबा जैश मोहम्मद, तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर बल दिया। तो ये नौवां शिखर सम्मेलन भी खास था जो चीन के सियामेन शहर में संपन्न हुआ। और इसका उद्देश्य वाक्य था वो था बेहतर भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी। तो एक सुंदर भविष्य के लिए, मजबूत भविष्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए कहना चाहिए, ये साझेदारी है, ये मजबूत साझेदारी है, इसमें कोई कमी खोट कमजोरी नहीं है। और सम्मेलन में विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद, तालिबान जैसे आतंकी संगठन हैं उनके विरुद्ध मिलजुल कर कार्रवाई करने का फैसला किया गया। दसवां शिखर सम्मेलन जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। इसमें सम्मेलन की थीम अफ्रीका में ब्रिक्स चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग थी। सम्मेलन में डिजिटल तकनीकी क्रांति के समुचित उपयोग पर बल दिया गया। इस प्रकार से ये दक्षिण अफ्रीका में ये दसवां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। और ग्यारहवां शिखर सम्मेलन 13-14 नवंबर 2019 को ब्राजील में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 73 बिंदुओं वाला ब्रासिलिया घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। सम्मेलन में भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा सुविधा देने का फैसला किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय ब्रिक्स नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एंड इनोवेटिव फ्यूचर, ये था इसकी जो थीम थी, मुख्य विषय था वो ये था। तो इस प्रकार से ये 11वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। और 12वां शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। इसका मुख्य विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास था। सम्मेलन में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के क्षेत्रों में आपस में सहयोग करने की चर्चा की गई। इसमें कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली के उपायों में सुधार भी शामिल है। तो ये जो 12वां शिखर सम्मेलन हुआ ये जुलाई में होने वाला था, पर कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से, और फिर ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही ये सम्मेलन है वो संपन्न हुआ। तो इसमें जो इसका थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास जो खास बात थी उस पर अच्छा मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ, रेजोल्यूशन पारित हुए, प्रस्ताव लिया गया पारित हुआ इन देशों के बीच में,
और मिलजुल कर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का, और भी कई क्षेत्र थे जैसे व्यापार है, स्वास्थ्य है, ऊर्जा है, इन क्षेत्रों में भी आपस में मिलजुल कर कार्य करने की रणनीति बनाई। और कोविड के प्रभावों को बहुपक्षीय आधार पर सब मिलजुल कर इसका कैसे सामना किया जा सकता है और इसमें, तो इस पर भी विचार किया गया। और ये सब आज मैंने आपको बताया, विचारों का आदान प्रदान हुआ। यदि कहीं कोई आपको को लगता है कि कुछ छूट गया, तो आपके विचारों का मैं सम्मान के साथ आदर करूंगा। निश्चित रूप से वो आप कहीं कोई कमी बेशी लगती है तो आप मुझसे शेयर करेंगे, और इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आपने ध्यानपूर्वक सुना, और इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा, और एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।